नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। साहिबगंज से हमारे संवाददाता बीटू कुमार की रिपोर्ट। चाचा के बैंक खाते का चेक बुक से भतीजे ने निकाले 30,000 रुपए। साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक के नजदीक पंजाब नेशनल बैंक में आज गुरुवार को एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक भतीजे ने अपने ही चाचा के बैंक खाते से गलत तरीके से चेक बुक के माध्यम से 30,000 रुपए की निकासी कर ली है। वहीं जब बैंक कर्मचारियों ने उक्त लड़के पर शक हुआ तो उन्होंने उससे काफी पूछताछ की, मगर उक्त लड़के ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वहीं उसके बाद तत्काल पीएनबी शाखा के ब्रांच मैनेजर ने इसकी सूचना नगर थाने को दी, जहां सूचना प्राप्त होते ही नगर थाना के इंस्पेक्टर धर्मपाल कुमार दलबल के साथ बैंक पहुंचे, जहां पुलिस को देखते ही उक्त भतीजे ने सारी बात बता दी। इसको लेकर पीएनबी शाखा के ब्रांच मैनेजर ने बताया कि पिछले 2 दिनों से उक्त लड़के ने अलग अलग नामों से अपना मोबाइल नंबर देते हुए बैंक में आकर रुपए की निकासी कर रहा था। वहीं इस दौरान जब बैंक कर्मचारी को संदेह हुआ तो उन्होंने उक्त लड़के से बैंक के खाते के बारे में पूछताछ की तो लड़के ने सही उत्तर नहीं दिया। वहीं बैंक खाता धारक की पहचान अशोक प्रसाद वर्मा के रूप में हुई है एवं उनके भतीजे की पहचान कुणाल नामक शख्स के रूप में हुई है। फिलहाल बैंक प्रबंधक खाता धारक का इंतजार कर रहे हैं। वहीं नगर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जो कुणाल नाम का एक लड़का है जो अभी आया हुआ था, एक इंफॉर्मेशन के लिए, अकाउंट के लिए, उनका चाचा का एक अकाउंट, उनका कहना था कि आज 10,000 रुपया निकला है और कल 20,000 का ट्रांजेक्शन हुआ है, जो कि उन्होंने चेक नहीं दिया था। तो उसके बाद जैसे अभी पता चल रहा है बात करने के बाद कि चाचा बोल रहे हैं कि नहीं, हमने किसी को चेक दिया नहीं है और ये पैसे जो हैं चेक के माध्यम से निकला है, साइन भी मैच हो ही रहा है। उसके हिसाब से जो देख रहे हैं पीछे में साइन जो पेई का नाम है वो दूसरा नाम डाल के और अपना मोबाइल नंबर भी डाला हुआ है पीछे में, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है वो दिया हुआ था, उसके माध्यम से पैसा निकाला हुआ है। और पहले जब हम लोगों ने पूछा तो इन्होंने बोला, जो इस लड़के ने बोला कि जो पैसे हम लोगों ने मतलब नहीं निकाला है, मैंने नहीं निकाला है करके, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने बोला कि नहीं कुछ देर पहले तो ये आया था, ये लड़का ये निकाला है करके। लेकिन अभी जो फिलहाल देख रहे हैं हम सीसीटीवी में जब देखे तो हमको पता चला कि ये लड़का खुद ही पैसा लेके निकाला हुआ है, फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि जो ये पैसा है ये इसी अकाउंट से निकला है या किसी और अकाउंट से, ये बोला किसी और अकाउंट से हम निकाले हैं। तो मैंने पूछा कि ये कौन से अकाउंट से निकाले हो तो बता दो, वही तो हो जाएगा बात क्लियर। अभी तो फिर उनके चाचा से हमने बात किया है, अभी उन्होंने बोला है कि ये एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मेरे अकाउंट से मतलब मेरा चेकबुक से वो लीफ जो है वो निकले हैं या घर वालों ने क्या दिया है, वो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, तो वो कल आने की बात बोल रहे हैं। तो अब कल आने के बाद ही खाता धारक का सर क्या नाम, किनके अकाउंट से पैसा निकला है और कितना पैसा निकला है? ये इनका नाम जो खाता धारक का नाम है अशोक कुमार वर्मा है और उनके अकाउंट से कल 20,000 रुपये और आज 10,000 रुपये निकाला गया है। निकालने वाला कौन है? निकालने वाला जो इसमें पेई का नाम इन्होंने बलराम कुमार यादव डाला हुआ है, लेकिन पहला ऐसे देखने से एक ट्रांजेक्शन देखने से लग रहा है कि ये जैसे अभी जो एक्सेप्ट भी कर रहा है वो कि जो कुणाल नाम है इनका लड़का का, इन्होंने ये चेक से ये पैसे निकाल लिया है। खाता संख्या क्या है सर खाता धारक का? अशोक कुमार वर्मा जी, सेविंग अकाउंट है यहाँ पे, ये 01 के कोड में है, 703 अकाउंट नंबर है। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखण्ड।